हाँ सो हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग को जब स्टडी करनी है तो क्रिस्टल्स फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिड हो तब उसकी स्टडी कर पाते हैं. अदरवाइज जो है अमॉर्फस फॉर्म में सॉलिड जो यूनिफॉर्म ही नहीं है उसको क्या स्टडी करेंगे. ठीक है तो उस प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ बात की थी. एक बात की थी लैटिस के बारे में बात की थी. तो लैटिस के लिए हमने कहा था कि कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए ठीक है एसेंशियली NaCl है तो दोनों को मिला के एक पॉइंट बना लिया. इस टाइप का कुछ बात किया था. ऐसा हमेशा करेंगे नहीं करेंगे वो सब बातें अलग है बट इस प्रोसेस में हम लोगों ने लैटिस बनाया था और कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर की बात की थी. ट्रांसलेशन वेक्टर इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स ए वेक्टर प्लस समथिंग टाइम्स बी वेक्टर प्लस समथिंग टाइम्स सी वेक्टर. ठीक है 3D लैटिस में ट्रांसलेशन वेक्टर टाइप का कुछ था तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचोगे तो आप डिस्क्रीट स्टेप्स में ही जा सकते हो. इसी तरह के वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है कुछ इस तरह की बात हुई थी. और बात हुई थी एक और चीज़ की. बात हुई थी कुछ प्लेन्स की मिलर इंडेक्सेस की. ठीक है तो हम लोगों ने बात की थी कि मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे इस तरीके से लैटिस है. एसेंशियली ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है समझ में आ रहा है. ठीक है सो इधर भी सारा कुछ स्पेंड है इधर भी सारा कुछ स्पेंड है और बोर्ड के बाहर भी है सारा कुछ और क्यूबिक सिचुएशन है. तो हम लोगों ने कहा था कि एक ऐसा प्लेन बन सकता है जो कि इसको अगर हम किसको ओरिजिन मान ले इसको ओरिजिन मान लेते हैं फिलहाल. ठीक है तो एक ऐसा प्लेन बन सकता है जो इस तरीके से हो. इस तरीके से जो प्लेन होगा अगर ये एक्स एक्सिस है आपका ये एक्स एक्सिस है एक्स क्रॉस वाई जेड. हाँ ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बाहर की ओर जेड एक्सिस. ठीक है तो एक ये वाला जो प्लेन है जो कट करेगा इसका इंटरसेप्ट कितना कट करेगा तो आप बोलोगे इतना कट करेगा. इतना मतलब ए वेक्टर के ए के बराबर इंटरसेप्ट कट करेगा. तो आप बोलोगे कि उसका जो मिलर इंडेक्स होता है उसको कैसे निकालेंगे तो बताओ अलग अलग एक्सिस में कितना कितना इंटरसेप्ट कट रहा है. तो एक्स एक्सिस में कट रहा है 1 वाई एक्सिस में इन्फिनिटी जेड एक्सिस में इन्फिनिटी. कुछ इस तरह से बात हुई थी. इसको पलट दो रैशनलाइज कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0. ठीक है अगर कोई और प्लेन होता यहाँ से पास हो रहा होता इसको हमने ओरिजिन मान रखा है. ठीक है सो फिर उसका इंटरसेप्ट क्या होता तो तुम बोलते कि 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. इसका मिलर इंडेक्स क्या आता तो मिलर इंडेक्स निकालते समय सबसे पहले रेसिप्रोकल लेते हैं तो हो जाता है 1 बाय 2 0 0. और फिर उसको रैशनलाइज कर देते हैं मतलब एलसीएम वगैरह लेके फाइनली सेम चीज़ आती है. तो एसेंशियली जब हम मिलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं मिलर इंडेक्सेस की तो एक प्लेन के लिए नहीं है वो एक पूरे फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं. ठीक है तो ये जो सारे प्लेन्स हैं जो इस तरीके से पैरेलल जाने वाले हैं उनका मिलर इंडेक्स हो गया 1 0 0. ठीक है एसेंशियली कितने टाइप के प्लेन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इस क्रिस्टल में अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 टाइप के इसकी एक ही टाइप. अच्छा नहीं वो 2D नहीं है 3D है सारा फैला हुआ है इधर भी सामने पीछे सब जगह फैला हुआ है. 3 टाइप के प्लेन्स हो सकते बोल रहे हैं 3 टाइप के एक ऐसा और एक ऐसा. ठीक है ऐसे 3 टाइप के नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है जो ओरिजिन के एस्पेक्ट में 2 लैटिस पॉइंट से पास हो रहा है बाकी किसी से हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा वो अलग बात है. एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है एसेंशियली ये भी बात एक तरीके से कहना सही है कि कोई भी 3 वैल्यू लिख लिए यहाँ पे हमने 1.5.3 तो ऐसा भी मिलर इंडेक्स कोई होगा. ये मिलर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग प्लेन कैसा होगा तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस में 1 इंटरसेप्ट कटता हो वाई एक्सिस में 5 मतलब 2 और पॉइंट्स बना देते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स कट रहे हों एक्स एक्सिस में इतना वाई एक्सिस में इतना और जेड एक्सिस में 3 तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा. तो एक ऐसा प्लेन जो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू होते पास होते हुए जा रहा है उसके लिए ये मिलर इंडेक्स है. वो प्लेन और उसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स हैं उन सारे प्लेन्स के लिए ये मिलर इंडेक्स है. ठीक है अगर ऐसा है तो इस फैमिली में कोई भी एक फैमिली पकड़ लिया उसमें जो डिफरेंट प्लेन्स है जैसे 1 0 0 की बात करते हैं तो वो प्लेन कैसा हुआ तो वो एक प्लेन ये हो गया एक प्लेन ये हो गया. ठीक है ये डिस्टेंस ए के बराबर था ये डिस्टेंस
बी के बराबर था और सी के बराबर, ठीक है। सो ये दोनों प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस फैमिली ऑफ प्लेन्स, जैसे अच्छा चलो कोई और प्लेन बता देते हैं, तो एक और मिलर इंडेक्स ले लेते हैं, कन्वीनियंट वाला 1 1 0, ठीक है। ये प्लेन कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन नहीं है, हाँ ऐसे आके बन गया एसेंशियली जेड पर, वो जेड के पैरेलल होगा, मतलब ठीक है ये प्लेन है, मतलब ये प्लेन है, एक्सिस किधर है, एक्सिस ऐसा है ना, एक लाइन है, तो लाइन के पैरेलल में प्लेन तो हो ही सकता है, मतलब हाँ वैसे कह सकते हैं, बट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पैरेलल है, मतलब जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन के पैरेलल में ये बोर्ड है, ठीक है, अब किसी भी तरीके से इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, हाँ प्लेन को बोर्ड को डिफाइन करने का तरीका ही नॉर्मल है, जैसा उसका, हाँ जैसे हम लोग, हाँ हाँ जो है क्या होता है, वो प्लेन के डेफिनेशन होती है, हाँ तो हम लोग उसको सिर्फ उसी तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं, अब आप लाइन से लाइन को कंपेयर कर सकते हैं, लाइन से प्लेन को कंपेयर करना, इट्स लाइक पॉइंट से लाइन को कंपेयर करना, हाँ बट पैरेललिज्म जैसे दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, ये बातें डेफिनेशन में है आपके पास, दो प्लेन्स पैरेलल है कि नहीं है, ये आपके पास डेफिनेशन में है, पैरेलल में है नहीं, नहीं मतलब चलो ठीक है, वो टेक्निकल बात है, वो फर्दर वो डिटेल्स देखते रहना, टेक्निकली उसमें से करेक्ट है कि नहीं है वो आप लोग देख लो, हम लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, ये हम लोग वहाँ से चलाएंगे, अब वो टेक्निकली इनकरेक्ट होगा तो होगा, ठीक है ओके। सो फिलहाल 1 1 0 इस मिलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इस मिलर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन है वो ऐसा है, 2D में ये दिख रहा है, 3D में इधर फैला हुआ है, ठीक है। ये दो अलग अलग, अच्छा ये प्लेन है, इसके पैरेलल में जो प्लेन होगा वो कहाँ पे होगा, इसके जस्ट ऊपर, मतलब इस तरीके से पास होता हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देख के भी है ज्योमेट्रिकली लग रहा है, ये ज़्यादा होना चाहिए ये कम होना चाहिए, डिस्टेंस अलग अलग है अलग अलग मिलर इंडेक्स के प्लेन्स के बीच में, और वो डिस्टेंस कितना होता है, तो उसका सीधे सीधे फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, 1/√(h²)(a²) + (k²)(b²) + (l²)(c², ठीक है, डायमेंशनली फिट बैठ रहा है, HKL का क्या डायमेंशन है, HKL का क्या डायमेंशन है, HKL का कोई HKL डायमेंशन लेस है, ABC के डायमेंशन है, ABC क्या चीज़ है, ABC आपके ये लेंथ है ना, तो उसके टर्म्स में आपका D आ गया, ठीक है। कैसे आता है, मैथ्स वाले से पूछना, 12th वगैरह में आप लोग पढ़े हो पैरेलल प्लेन्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ठीक है ऐसा नहीं रहा होगा, ओके ठीक है। सो ये सारी बातें हम लोग, मिलर इंडेक्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स हो गया, इस तरह की बातें लैटिस में होती है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस होगा, अच्छा जैसे लैटिस पॉइंट्स मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, अच्छा वो पॉइंट है क्या चीज़, किसका रिप्रेजेंटेटिव है पॉइंट, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए हम लोग एटम्स मान लेते हैं, ठीक है, मेटेलिक सिचुएशन मान लेते हैं, एटम्स हो जाते हैं उसमें, आयरन आयरन एटम्स हो गया, ठीक है, तो आयरन ये भी एक आयरन एटम हो गया मान लो, ये भी एक आयरन एटम हो गया, बीच में इतना बड़ा गैप है, ऐसा दिख रहा है गैप, तो एग्जैक्टली ये गैप क्या है, दोनों आइटम्स के बीच में कितना खाली जगह है क्या कुछ कि नहीं है,
तो वही एटम के सेंटर को हमने इस तरीके से एक पॉइंट बना के रिप्रेजेंट कर दिया है, बट एसेंशियली ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे से इतने दूर है ऐसी बात नहीं है, दोनों एटम्स के बॉर्डर से एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़े हुए, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, बॉर्डर वगैरह टाइप की कोई चीज़ आजकल होती नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली दोनों के बीच इतना डिस्टेंस है ये ऐसी बात नहीं है, दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर ली है, उसमें भी अनसर्टेनिटी वगैरह की बात सोच सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। ओके सो अच्छा, ये जो लैटिस होता है या अच्छा एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस ऑर्डर के होते हैं बॉन्ड लेंथ सॉलिड्स में? एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर्स के होते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर्स के होते हैं, तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते समय शायद एक बात की थी, एक ही लेक्चर किया है उसका, ठीक है। तो एक रिजॉल्विंग पावर वगैरह टाइप की बात की थी, दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए जो लाइट लगेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसका जो वेवलेंथ है वो उसके सेपरेशन का ऑर्डर का हो या उससे शॉर्टर हो, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर का डिस्टेंसेस है। तो अगर आपको कोई अननोन लैटिस दे दिया जाता है सॉलिड का टुकड़ा, ठीक है, अब वो एफ सी सी है, बी सी सी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है आपको नहीं पता, ठीक है, कैसे पता लगाओगे? तो रेड लाइट से तो नहीं देख सकते आप उसको, दिखाई नहीं देगा उतना, उसका जो वेवलेंथ होता है रेड लाइट का कैसे रेंज का होता है? 400s of nanometers, यानी कि 700 nanometer इस ऑर्डर का रहता है, ठीक है। तो इससे तो काम नहीं चलेगा, ये कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर का हो गया, ठीक है, माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर का हो गया। हम लोग को चाहिए कितने एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर का, यानी कि 0.1 nanometers के ऑर्डर का चाहिए हमको, ठीक है। तो एक्सरेज जो है वो इस काम में हमारे काम आएंगे। ओके वहाँ पे भी अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करते समय भी हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने वहाँ पे फोटोन रिजेक्ट किया था न्यूक्लियस नापते समय, ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो फोटोन लगता है वो बहुत खतरनाक फोटोन लगता, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर का वेवलेंथ का फोटोन चल जाएगा जो कि एक्सरे हमको प्रोवाइड करता है, बट और क्या अल्टरनेटिव है जो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ किए थे? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग फोटोन से तो नहीं मेजर किए थे न्यूक्लियस का साइज, किससे मेजर किए थे? न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए कुछ स्कैटरिंग किए थे, तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग किया था हम लोगों ने, ठीक है। और हमारे पास और ऑप्शन है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का, ये दोनों ऑप्शन भी है, ठीक है। तो हम लोग या तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझना है तो या तो हम लोग एक्सरे यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज़ करें या फिर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज़ करें, ठीक है। अब एक्सरे जो है उसका कैसा फंक्शन होगा वो देख लेते हैं फिलहाल फोटॉन्स के टर्म्स में। तो एसेंशियली आपके पास जो क्रिस्टल है उसमें इधर से आपने एक्सरे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो क्या होगा पता नहीं सर, हमने तो कभी किया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो सरफेस है स्मूथ वगैरह टाइप सा है, कुछ इसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, तो हो सकता है रिफ्लेक्ट हो सकता है एब्जॉर्ब हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट तो होगा, ठीक है। तो उस कुछ हिस्से को हम लोग देखेंगे फिलहाल, चलो ठीक है। पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एटम था, हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट था, यहाँ पे लैटिस पॉइंट था, यहाँ पे लैटिस पॉइंट था, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, ठीक है। और क्या होगा उसके नीचे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, और फर्दर लैटिस पॉइंट्स होंगे, इधर भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उधर से आ रही है एक्सरे, इधर रखे हुए लैटिस पॉइंट्स, यानी कि सरफेस को मैं मिटा देता हूँ, सरफेस देख के थोड़ा भ्रम होता है,
तो इस तरीके से एटम्स रखे हुए हैं, उन पे आता है एक्सरे, ठीक है, इस तरीके से। अब वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो कॉमन सेंस पिक्चर, इसीलिए वो मैंने लैटिस और एटम्स की बात की कि वो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट वहाँ पे है नहीं, एसेंशियली एटम पूरी जगह फैला हुआ है, ठीक है, बीच में कोई गैप वैप नहीं है, ये पूरा एटम इस पूरे रीजन में हो सकता है, और किस फॉर्म में है एग्जैक्टली वो भी वो फजी पिक्चर है, वो एग्जैक्टली हार्ड पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो एसेंशियली इधर से रेज आ रहे हैं, ठीक है, एक व्यू आता है कि भाई इधर से रेज आए, क्या होगा, यहाँ से जो आया वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा मतलब यहाँ पे जो एंगल थीटा था उसी एंगल थीटा पे चला जाएगा, ठीक है, एक ये पिक्चर बनता है, ठीक है। अब उसको कैसे पता कि इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्ट होना है, लाइट को कैसे पता कि इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्ट होना है? मतलब आप बोल रहे हो अगर यहां पे थीटा से आया, यहां पे थीटा से गया, तो एसेंशियली इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर मैं पूछता, मैं कहता कि मान लो भाई इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्ट होना है, तो तुम बोलते यहां पे फाई, यहां पे जो जाएगा उसमें यहां पे एक फाई होगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाता, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो उसको कैसे पता कि इस प्लेन पे रिफ्लेक्ट होना है और किसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट नहीं होना है? उसको नहीं पता, और होता भी नहीं ऐसा, ऐसा नहीं होता है कि इसी प्लेन पे वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। उसको ये पता है कौन कौन से प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारे इनफाइनाइट प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है। वो आया, उसके सामने ये वाला प्लेन भी है, उसके सामने ये वाला प्लेन भी है, उसके सामने और कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन भी है, उसके सामने ये वाला प्लेन भी है, एंड सो ऑन, सब पे वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, सब पे वो डेविएशन दे सकता है, ठीक है, ओके। अब इस प्रोसेस में अच्छा किस में ज़्यादा देगा, किस में कम देगा, वगैरह वगैरह बातें होती है। तो चलो फिलहाल हम लोग इधर उधर के प्लेन की बात नहीं करते, हम लोग फिलहाल जो स्टैंडर्ड प्लेन जो आप लोगों ने बाय कॉमन सेंस कहा था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्लेन पकड़ लिया, इसके अबाउट रिफ्रैक्ट होके ये इधर से चला गया, ठीक है। अब काफ़ी सारे फोटॉन्स आए थे, कोई रिफ्लेक्ट हुआ, कोई नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो क्या करेगा, वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ओके। अब इस प्रोसेस में थीटा, थीटा इस तरीके से लिया है, तो जैसे ये रे आ रही थी यहाँ से, ठीक है, ये चला गया यहाँ से डायरेक्ट, और फिर उसका एक हिस्सा यहाँ से गया और इधर चला गया, ठीक है, और जाके दोनों डिटेक्टर में फॉल होते हैं। तो दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करने वाला है, पाथ डिफरेंस बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। तो पाथ डिफरेंस जो है ये समझ में आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट रे आया है वो उस डेप्थ तक आया है जो डेप्थ डी है, ठीक है, और डिफरेंस क्या चीज़ है, ये हिस्सा तो कॉमन है, और कौन सा हिस्सा कॉमन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लो, ये हिस्सा कॉमन है, सेम लेंथ का है, जो डिफरेंस है वो इस हिस्से में और इस हिस्से का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ चलो ए बी सी और डी, तो मैं एसेंशियली कहूँगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, ये जो होगा ये होगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होगा अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो? 2π बाय लैम्डा इनटू दिस थिंग, ठीक है, तो 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप क्रिस्टल, आपके सामने क्रिस्टल रखा हुआ है, उस पर आपने एक्सरे डाला, उधर से उसी एंगल पे आपने एक डिटेक्टर रख रखा था, उस डिटेक्टर में डिटेक्ट किया इंटेंसिटी कैसी आई, ठीक है। हो सकता है
डिपेंडिंग ऑन एंगल, डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस, वो हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो, बीच का कोई हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने कितनी इंटेंसिटी छोड़ी थी और जैसे जैसे आप वो एंगल चेंज कर रहे हो, दोनों का एंगल चेंज करते जाओ और चेक करो कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आ रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है और 2πn जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2πn ताकि जो हमको इंटरफेरेंस मिले पर्टिकुलर मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। डेल्टा एक्स क्या चीज़ होगा? डेल्टा एक्स जो होगा ये सब का हिसाब लगा के देखोगे तो ये हो जाएगा d sin theta हो जाएगा, ठीक है, 2d sin theta हो जाएगा। ओके तो 2π/λ into 2d sin theta equals to 2πn, तो क्या आ जाएगा आपके पास रिलेशन 2d sin theta equals to n λ। ये रिलेशन कहीं देखा है आप लोगों ने इससे पहले? ये वही है, ये ब्रैग्स लॉ ही है, ये ब्रैग्स इक्वेशन ही है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या? ये कहाँ पढ़ रखा है आप लोगों ने? ट्वेल्थ में पढ़े हो ना, मतलब इस बीच तो नहीं पढ़े होगे। हाँ बॉटल दे दो इधर। हाँ ठीक है, सो ये फंडा होता है उसके बीच में। अब वहाँ पे कई सारे आपको डेरिवेशन अलग अलग टाइप के मिलते हैं। एक डेरिवेशन मैं दिखाऊँ, उसमें वो लोग ऐसे दो लेयर्स हैं, यहाँ से एक लाइट आई गई, यहाँ से एक रे आया, ठीक है, और ये गया, और फिर इसके बीच में ये डी हो गया, ये दोनों डिस्टेंस मिला के 2d sin theta होता है, ऐसा कुछ फंडा लगाते हैं वो लोग। खैर मोर एक्यूरेट पिक्चर ये है, और इस पिक्चर में भी आप लोग को जो पाथ डिफरेंस है 2d sin theta मिलता है। और फिर आपने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, 2d sin theta इक्वल्स टू एन लेमडा। किस काम का ये, इससे क्या फ़ायदा होगा? इस रिलेशन से आपको पता चला 2d sin theta इक्वल्स टू एन लेमडा होता है, तो इससे अब क्या फ़ायदा है, आप क्या कर सकते हो? डी निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हो, मतलब आप बोलोगे एक्सरे और डिटेक्टर के अलग अलग एंगल्स पे मैं चेक करता हूँ, कभी कंस्ट्रक्टिव आएगा कभी डिस्ट्रक्टिव आएगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आया वहाँ पे मेरा, अच्छा जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव आएगा उसमें एन इक्वल्स टू 1 रख दूंगा, डी मेरे को मिल जाएगा। अब उसके बाद मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि सेकेंड कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर मिलना चाहिए, और अगर वहीं पर मिला इसका मतलब सारा कुछ सही है, क्रिस्टल जो है ठीक फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एटलीस्ट, वरना कुछ भी अनशेंट रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्रिस्टली बर्बाद है, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, बट ये प्रिसीजन काम किया जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लोगों ने किसी ने XRD वाला कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है क्या? इंटर्नशिप में आप लोग कई लोग गए थे ना, सॉलिड स्टेट वाला काम किया आप लोगों ने? XRD किया है आप लोगों ने ना? हाँ आप लोग, हाँ और आप लोग देखे होगे ना, मतलब वैसे दिखता तो कुछ नहीं है, डब्बा है, कुछ चल रहा है, कुछ डेटा आ रहा है, वही देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें यही होता है, उसमें इधर से एक्सरे जाता है, उधर से डिटेक्ट होता है, अलग अलग एंगल्स पे सैंपल घुमाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उसमें होता है मैकेनिज्म, उसका प्रिंसिपल यही है। और फिर उसके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है, कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है कहाँ पे मिनिमम, वो सब आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि डी ए होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए वो काम होता है। हाँ हाँ ये मेरे को नहीं पता उसका कॉस्ट रहता, तो डिब्बा जितना बड़ा है बट रहता होगा क्योंकि एक्सरे मशीन है उसमें, ठीक है। सो 2d sin theta इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हाँ कौन, यस आ जाओ, हाँ ओके देख लो, अभी घर पे कोई नहीं है बोल रहा।
ठीक ओके. सो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. अलग अलग प्लेन से डिफ्रैक्शन हो सकता है और प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है एसेंशियली ये इसका इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कौन से का इन्फॉर्मेशन मिला वगैरह वगैरह, वो बात की बात है. फिलहाल ये एक टेक्निक है जिससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं. ठीक है अब अच्छा ओके ठीक है. तो एसेंशियली हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में स्कैटरिंग हो रही है, एक वेव इधर से आ रहा है और फिर वो पलट के इधर जा रहा है. ठीक है ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा. ठीक है पलट के उधर जा रहा है. अच्छा इस वेव के पास कुछ मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, कितना मोमेंटम होता है वेव का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एच बाय लैम्डा होता है, और इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर के एच कट के. ठीक है तो इसका मोमेंटम जो था वो था एच कट के. ठीक है पलट के गया तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा. ठीक है ऐसा कुछ हो गया. अब अगर ये जो स्कैटरिंग है ये इलास्टिक है, इलास्टिक स्कैटरिंग कब होगी, जब मैग्नीट्यूड हाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इलास्टिक उसमें इलास्टिक स्कैटरिंग में, जो कि होता है इस केस में. ठीक है इन इलास्टिक भी अलग अलग केसेस होते हैं बट इलास्टिक मोस्टली स्कैटरिंग होता है इसमें. तो इनकमिंग मोमेंटम जो हुआ वो तुम्हारा ये हुआ और फाइनल मोमेंटम जो हुआ वो तुम्हारा ये हो गया. ठीक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, फोटोन होता है, फोटोन में पोटेंशियल वाली बात ही नहीं होती. नहीं तो और वो बाकी डिसिपेट ही होती है एनर्जी, अगर एनर्जी डिसिपेट ना हो तो फिर वो इलास्टिक कोलिजन बनता है ना, बट मोमेंटम सेम रहना चाहिए ऐसा तो नहीं रहता है कुछ. हाँ नहीं नहीं इलास्टिक कोलिजन, हाँ इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होगा वो बात सही है. और एसेंशियली जैसे आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, कई बार रिफ्लेक्शन की जैसे बात करते हैं, जैसे इस बोर्ड से मेरे को वो ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है. ठीक है तो ये मेरे को वो रिफ्लेक्शन वाला लॉ तो फॉलो हो ही रहा है बट ये मेरे को वैसा ही दिख रहा है जैसा उधर से इंसिडेंट है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो. ठीक है अदरवाइज इंटेंसिटी लॉसेस है. ठीक है तो एसेंशियली क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम क्या चेंज हो रहा है, नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहा, कैसे बोल पा रहे हैं नहीं चेंज हो रहा. स्पीड तो चलो सेम है, मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है हाँ 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 तो वही फिनोमेना है, जैसे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसमें एग्जैक्टली सेम कलर मेरे को दिख रहा है. मे बी यूनिवर्स ऐसा होता कि ऐसा नहीं होता, या कुछ मटेरियल्स ऐसे होते जिसमें आपको कुछ एबरेशन दिखाई देता. ठीक है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग जिस रेंज में काम कर रहे हैं वैसा नहीं होता. ठीक है मतलब इन इलास्टिक स्कैटरिंग का भी कुछ पार्ट होगा, वो चीज़ अगर इग्नोर करें मेनली इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं. तो वेवलेंथ सेम होगा एसेंशियली, आप बोलोगे मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना है, डायरेक्शंस अलग अलग है इसलिए हम लोगों ने दोनों अलग अलग के यूज़ किए. ठीक है अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अच्छा ये है इनिशियल मोमेंटम, या चलो मोमेंटम छोड़ दो वेव वेक्टर्स के टर्म्स में ही बात करते हैं. इनिशियल वेव वेक्टर रिफ्लेक्ट होके जो जा रहा है वो है फाइनल वेव वेक्टर. ठीक है टू द स्केल ड्रॉ करेंगे तो ये समझ में आएगा, मतलब अगर टू द स्केल ड्रॉ करते हैं तो दोनों वेक्टर्स का जो लेंथ है वो सेम होगा. ठीक है रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का, और फिर जो दोनों में डिफरेंस है इसको हम कह देते हैं डेल्टा के. ठीक है अब एक कंसेप्ट की बात करते हैं, खैर अच्छा चलो इसको बाद में लेकर आएंगे, एक कंसेप्ट की बात करते हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ पे. रेसिप्रोकल लैटिस, अच्छा आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने एक्स के टर्म्स में साय आप लोग कई बार डिनोट करते हैं. ठीक है और कई बार मोमेंटम के टर्म्स में डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया होगा,
वेव फंक्शन कभी मोमेंटम स्पेस में, कभी पोजीशन स्पेस में। क्या करते हैं एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने के लिए? पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वेव फंक्शंस का, ठीक है? फूरियर, अच्छा आपने FFT बोला था? नहीं, बोला था। अच्छा अच्छा, खैर वो सुना ही। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, जो पोजीशन स्पेस है वो मोमेंटम स्पेस में बदल जाता है। मैपिंग कर सकते हैं आप? क्या अच्छा चलो ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने इसको यूज़ किया होगा मेरे ख्याल से। वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपने ट्रांसफॉर्म किया होगा, नहीं किया है क्या? हाँ खैर वहाँ तो जो भी बात होती है एप्लीकेशन नहीं होता, बट क्वांटम मैकेनिक्स में उसका एप्लीकेशन यूजुअली होता है आप लोगों के इसमें, जैसा भी हुआ हो। एनीवे ठीक है, सो पोजीशन स्पेस के फंक्शंस को मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे उसका रिजल्ट सीधे सीधे मैं बताता हूँ। एसेंशियली क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये एक लैटिस है। लैटिस मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए, ठीक है? अब एक्स वाई जेड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप उस स्पेस का फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो उनके करिस्पॉन्डिंग तो नहीं, उनके करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, वैसे ही बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक? तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर उस लैटिस का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे, रेसिप्रोकल स्पेस में जाओगे, तो आपको जो नए ट्रांसलेशन, नए बेसिस वेक्टर्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 2π b क्रॉस c बाय a डॉट b क्रॉस c। इसका डायमेंशन बताओ, वन बाय एल हो गया लेंथ, वन बाय लेंथ टाइप का डायमेंशन हो रहा है। हाँ ए वेक्टर, अच्छा सॉरी वेक्टर सॉरी, हाँ ये लैटिस, लैटिस थे ना ए बी सी बेसिस, ठीक है? तो बेसिस के टर्म्स में मैंने तीन वेक्टर्स लिख दिए, बी है 2π, ये बताओ सी क्या होगा? हाँ ठीक है, तो ऐसा इतना तो होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये क्या चीजें हैं, इन वेक्टर्स का यूज करके हम लोग चलो सिंपल क्यूबिक ले लेते हैं। सिंपल क्यूबिक केस में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपका ए कैप बी कैप और सी कैप है, मान लिया। सिंपल क्यूबिक कैसा होता है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया एंड सो ऑन, और इधर तो आप बोलते हो ये हो गया आपका वेक्टर ए पहला बेसिस, दूसरा बेसिस वेक्टर बी, तीसरा बेसिस वेक्टर सी, और ए वेक्टर आपका हो जाता है लेंथ इंटू आई कैप, लेंथ इंटू ए इंटू जे कैप, और सिंपल क्यूबिक में क्यूबिक है तो सारे लेंथ इक्वल है, ठीक है? ये बेसिस वेक्टर्स हो गए, तो इसके करिस्पॉन्डिंग बताएंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अच्छा ये जो चीज लिखी है ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एसेंशियली वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप्ड का। यहाँ पे पैरेलल पाइप सिंपल क्यूब है तो वो ए क्यूब हो जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बचा और जे क्रॉस के बन गया आई। सिमिलरली यहाँ पे 2π बाय ए जे कैप
और 2 पाई बाय ए के कैप, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बची। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो ए वेक्टर है और यहाँ पे जो ए वेक्टर है दोनों पैरेलल है, बी वेक्टर पैरेलल है, सी वेक्टर पैरेलल है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस केस में हो रहा है, किसी केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा सीधे सीधे सेम डायरेक्शन और कुछ मैग्नीट्यूड ऐसा सोच के नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इससे क्या बनेगा, तो इससे आपके पास लैटिस बनेगा जिसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल लैटिस, इतने पॉइंट्स क्यों बना रहा हूं क्योंकि तुम लोग लिख रहे हो, ओके हाँ, तो इतने मतलब रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा इन पॉइंट्स से, और आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड सेम होने वाले हैं तीनों यूनिट वेक्टर के, तो सिंपल क्यूबिक टाइप का ही दिखाई देगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है रेसिप्रोकल स्पेस में, तो हर एक पॉइंट जो होता है जब आप यहां पे ट्रांसलेशन वेक्टर लिखोगे तो आप लिखोगे जी इक्वल्स टू एच टाइम्स ए कैप प्लस के टाइम्स बी वेक्टर प्लस एल टाइम्स सी वेक्टर। हर एक पॉइंट यहाँ पे एक एक मिलर इंडाइसेस को, एक एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलर इंडाइसेस को नहीं, एक एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो स्पेस है इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह से आया वेव वेक्टर स्पेस कह सकते हैं या रेसिप्रोकल स्पेस बोलते हैं इसको, क्यू स्पेस, हाँ के स्पेस या रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है। के मतलब वेव वेक्टर जो कि मोमेंटम से प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंटम स्पेस ही है एक तरीके से, उसी का थोड़ा स्केल्ड वर्जन है। अब इस रेसिप्रोकल स्पेस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेरा क्लेम है कि हर एक प्लेन, हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है वहाँ के, ठीक। अब इसको मैं कैसे कहूँगा, तो डेरिवेशन वगैरह लिख के तो लाया था, बड़ा ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो मैं इसको खैर हाँ ओके। तो स्कैटरिंग के प्रोसेस में हो क्या रहा है, यहाँ से एक वेव आ रहा है और वो पलट के उधर जा रहा है, ठीक है। इनकमिंग वेव के बारे में मैं कह सकता हूँ, इनकमिंग वेव जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, एफ इक्वल्स टू ए ई रेस टू आई के, अच्छा किसी पॉइंट से टकरा रहा है, ठीक है, जब स्कैटर हो रहा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे आप बोलोगे, ये पॉइंट जो है आप एसेंशियली ट्रांसलेशन वेक्टर से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब ये जो पॉइंट है किसी स्पेसिफिक जगह में ही है, तो आप बोलोगे वो जो पॉइंट होगा वो ज़रूर समथिंग ए कैप, फिलहाल इसको पी यूज़ करते हैं, समथिंग बी कैप प्लस समथिंग सी कैप, उसके बराबर ही होगा वो पोजिशन, ठीक है। तो एसेंशियली जब ये स्कैटरिंग हो रही है तो ये इनिशियल के डॉट टी माइनस ओमेगा टी, ये इंसिडेंट रेडिएशन है आपका, ठीक है। आउटगोइंग रेडिएशन कैसा है, ठीक है, प्लस क्या कोई फेज डिफरेंस आएगा स्कैटरिंग प्रोसेस में, मतलब एसेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ से एक वेव आया, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एटम में टकराता है, तो एटम पे टकराता है और रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी पोजीशन पे उसी टाइम पे बात हो रही है वेव की, तो इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन अलग है और जो एक्सपेल हुआ वेव फाइनली इसको कह देंगे इसका डायरेक्शन भी अलग अलग है, बट क्या दोनों का फेस सेम होगा कि डिफरेंट होगा,
एसेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे ये वही वेव, मतलब उसी पॉइंट के बात है, जैसे रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है EMT में, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है उसमें फेज डिफरेंस आता है क्या? पाई का फेज डिफरेंस आता है, पाई का आता है, तो इसमें पाई का आ जाएगा क्या? पाई का तो नहीं आएगा, मतलब एटलीस्ट लिखा तो नहीं है, आता है क्या पाई का? हाँ रिफ्लेक्शन में तो पाई का आता है, यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही है, मतलब एसेंशियली कंसेप्ट इसके पीछे ये होता है कि जिस वाइब्रेशन से वो आया है उसी वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से वो आ रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, और उसी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से नई रेडिएशन बन रही है। रेडिएशन कैसे बनता है? वाइब्रेशन ऑफ चार्जेस से बनता है, ठीक है। तो उस क्लासिकल कंसेप्ट को यूज़ किया है यहाँ पे, और उसकी मदद से कहा है कि भाई जो इधर से रेडिएशन आया वही फेज पे वही फ्रीक्वेंसी पे जो रेडिएशन है वो बाहर निकल जाएगा, किसी और डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन वाला कंपोनेंट यहाँ पे है, ठीक है, बट फेज में जो है कोई डिफरेंस एज सच नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप ये कह सकते हो अगर ऐसा है तो फिर, और सेम टाइम की बात हो रही है, टाइम फैक्टर को भी भूल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? K डॉट टी इक्वल्स टू के एफ डॉट टी, सही है। प्लस 2πn, ठीक है। तो सेम अगर वेव निकल रहा है, हाँ ये मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके हिसाब से एक तो ये फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ क्लेम है यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट जोड़ के ओके द फेस मस्ट कोइंसाइड ईच पॉइंट लैटिस वी हैव, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, ये बात तो सही है तुम्हारी, आता है ना, मतलब जो इंसिडेंट और निकला हुआ वेव में, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, पता नहीं। के डिफरेंट होगा, के वेक्टर की बात कर रहे हैं, के मॉडुलस सेम होगा ऐसा कुछ बोल सकते हो, उसको यूज भी करेंगे आगे, के का मॉडुलस सेम होगा बट के वेक्टर डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है, हाँ मतलब एसेंशियली वो वाइब्रेशन के कारण ही आ रहा है जो भी आ रहा है, तो पाई का फेज डिफरेंस अगर उधर आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए। जोड़ के हाँ चलो उसको भी कर लेंगे, फिलहाल बेसिक जो जनरल डेरिवेशन है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या लगता है, इसको इससे लगता है कि डेल्टा के डॉट टी डेल्टा के डॉट टी इधर गया मेरा, इक्वल्स टू होना चाहिए 2πn, 2π इंटू सम इंटीजर ये होगा रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। अब डेल्टा के ओके, सो हमको क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जी डॉट ओके तो जो जी वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, एसेंशियली आपको ये बात पता है, यहाँ से आप देख के बता सकते हो ए डॉट स्मॉल ए वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, तो आप बोलोगे स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी डॉट कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल बी डॉट सॉरी स्मॉल सी डॉट कैपिटल सी, और ये आपने बताया जैसा कि 2π होगा, अदरवाइज बाकी सब जीरो, तो ए डॉट कैपिटल बी ये सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये एसेंशियली हमेशा होगा किसी भी लैटिस सिस्टम में, मतलब डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इस तरीके से चीज़ें फॉलो होनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंपल क्यूबिक है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जी वेक्टर की बात कर रहे हैं, जो यहाँ रेसिप्रोकल लैटिस में ट्रांसलेशन वेक्टर टाइप की चीज़ है, तो उसको हम
h टाइम्स a प्लस k टाइम्स प्लस l टाइम्स c वेक्टर। इस तरह से हम रेसिप्रोकल स्पेस में जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको लिखते हैं, ठीक है। और अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे विथ t, g डॉट t, तो ये क्या चीज़ आएगा बताओ। t क्या चीज़ है? t ट्रांसलेशन वेक्टर है। ट्रांसलेशन वेक्टर है मतलब, तो हाँ, तो p a p q l आज चलाते हैं, पढ़िए, p a प्लस q b प्लस r c वेक्टर, दोनों को डॉट करोगे क्या आएगा आपके पास? पी एच प्लस के क्यू प्लस, ये एच है, एन नहीं है, ठीक है, ओके, प्लस एल इंटू आर, ठीक है, इंटू टू पाई जो बाहर में रख दिया है हमने, ठीक है। सो ये जी डॉट टी इस तरीके से आ रहा है, पी एच के क्यू एल आर, ये क्या चीज़ है? मतलब ये पी क्यू आर, तो इनमें से क्या p 0.5 हो सकता है? p की वैल्यू 0.5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एसेंशियली ट्रांसलेशन वेक्टर तुम्हारे लैटिस पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये इंटीजर्स ही होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही डिफाइन किया गया है, ये जो पॉइंट्स है ये तुम्हारे रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स हैं। और पी एच प्लस के क्यू प्लस एल आर, ये क्या 0.23 हो सकता है? नहीं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी सारे इंटीजर है, सारे इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो जो चीज़ बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? वो भी एक इंटीजर ही बनने वाली है, ठीक है। तो एसेंशियली जी वेक्टर आपका जो है रेसिप्रोकल लैटिस में, जो जी वेक्टर है असल में वही चीज़ सिग्निफाई करता है स्कैटर्ड बीम के वेव वेक्टर में जो डिफरेंस है उसको, ठीक है। अब ब्रैग्स कंडीशन निकाल, इसकी मदद से क्या पता चलेगा हमको? इसकी मदद से हम लोग ब्रैग्स कंडीशन निकालते हैं। तो इसकी मदद से ब्रैग्स कंडीशन निकालते हैं, इन द सेंस आपको ये बात पता है कि के आई प्लस जी वेक्टर इक्वल्स टू के फाइनल, और आपको ये भी पता है कि के आई का मॉडुलस equals to k final का modulus, ठीक है, k i g k final, ठीक है। तो square कर दो दोनों साइड, square कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? k i square plus g square plus 2 k i dot g equals to k f का square, के आई स्क्वायर के एफ स्क्वायर बराबर है क्योंकि मॉडुलस सेम है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? जी डॉट के आई प्लस जी बाय टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन। मेन बात क्या है? मेन बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस टाइप की एक चीज़ हम लोगों ने डिफाइन की है, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स है ये सब डिफाइन करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं मिलर इंडाइसेस। मतलब जी, हाँ, जी वेक्टर जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर है इस रेसिप्रोकल स्पेस का, और रेसिप्रोकल स्पेस का हर पॉइंट जो है वो जो प्लेन्स है, डिफरेंट प्लेन्स है रियल लैटिस में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एच के एल के कॉम्बिनेशन से आप मिलर इंडेक्सेस लगा देते हैं, तो मतलब मान लो भाई ये ओरिजिन है, तो आपने एच वन के वन एल वन लिया, तो वो उस प्लेन के लिए हो जाएगा जो वहाँ पे रियल स्पेस में एच के एल प्लेन था मिलर इंडेक्स वाला, ठीक है। तो उस रेसिप्रोकल स्पेस में हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन वैक्टर डिफाइन किया, बोला कि भाई वो एसेंशियली एक्ट कर रहा है वेव वैक्टर्स में, इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड वेव वैक्टर है, स्कैटर्ड वेव वेक्टर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके इक्वल वो हो रहा है। और फिर उसकी मदद से हम लोगों ने एक कंडीशन निकाली कि ये कंडीशन होगा जब हमको रिफ्लेक्शन, जब हमको मैक्सिमा वो जो स्कैटरिंग मिल रही है उसके लिए। हाँ सर,
जी तो जीरो नहीं होगा, तो उसमें हटा देते हैं जी को, वो जो इक्वेशन है जी जीरो नहीं होगा, हाँ तो उसको जी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा जी वेक्टर है? हाँ। नहीं नहीं, जी वेक्टर है और के आई प्लस जी बाई टू एक वेक्टर है, तो दोनों नॉन जीरो हो फिर भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ठीक है। ओके सो आता है, अच्छी बात है, एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए सब चीज़ें। ओके तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जिसको हम कह रहे हैं ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। तो फिलहाल इतनी बात कर रहे हैं, मेन यहाँ पे बात ये थी कि ऐसा होता है अगर आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना है तो टेक्निक है एक्सरे स्कैटरिंग, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी 2D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, तब आपका आपको एक इंटेंसिटी बहुत हाई मिलेगी, पीक्स मिलेगी, ठीक है। और वो क्यों मिल रही है, वैसा क्यों हो रहा है, तो प्लेन्स से रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने रेसिप्रोकल स्पेस बनाया, वहाँ का ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, और इसके टर्म्स में हमने चीज़ों को थोड़ा कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल स्पेस ऐसे बनाते हैं। इतनी बात हुई है और बात आज नहीं हुई है, ठीक है। बाकी बात हम लोग करेंगे कितना परसेंट आपको उधर इंटेंसिटी मिलेगा, डिपेंडिंग और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, अलग अलग लैटिस में बहुत अलग अलग पैटर्न मिलता है आप लोगों को, बहुत मतलब स्टार्क डिफरेंसेस मिलते हैं, छोटे डिफरेंसेस नहीं मिलते, जैसे आप लोग बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यूस जो पैटर्न है इस टाइप का मिलेगा थोड़ा स्मूथ सा, फिर वो इंटेंसिटी में भी ड्रॉप हो जाएगी, कुछ मैक्सिमम मिलेगा कुछ मिनिमम मिलेगा, शार्प डिफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, कब है नेक्स्ट क्लास, जब भी नहीं, मैं कभी भी सुबह बुला सकता हूँ, तो रेडी रहो, ठीक है, ओके।